नमस्कार, सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। बर्लिन में आयोजित ग्रीष्मकालीन स्पेशल ओलंपिक में भारतीय एथलीटों का जलवा, एथलीटों ने 76 गोल्ड समेत जीते 202 पदक, पीएम मोदी ने दी बधाई। दतिया में निर्माणाधीन पुल से नदी में गिरा ट्रक, हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा घायल, जिले के बोहारा गांव के पास की घटना। दतिया हादसे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, ग्वालियर से टीकमगढ़ के जतारा जाने के दौरान पलटा ट्रक, घायलों का इलाज जारी। दतिया हादसे पर सरकार ने की सहायता राशि की घोषणा, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा दौरे पर, आवासीय भू अधिकार पत्र हितग्राहियों को सौंपेंगे, 100 बिस्तर वाले अस्पताल का शिलान्यास भी करेंगे। आज रोजगार सहायक कर्मचारी संघ की महापंचायत, शाम 6 बजे लाल परेड ग्राउंड में महापंचायत, ग्राम रोजगार सहायकों के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा। बीजेपी संगठन के बड़े पदाधिकारी आज एमपी दौरे पर, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ करेंगे दतिया और भिंड का दौरा, कल मुरैना और ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। उज्जैन के जिला आयकर अधिकारी खंडवा से लापता, 25 जून को खंडवा आए शेर सिंह गिन्नारे, 3 दिन बाद भी घर नहीं लौटे, फोन पर संपर्क नहीं। एमपी के 40 छात्रों का दल अयोध्या के लिए रवाना, रामचरितमानस पर हुई प्रतियोगिता में हुए थे सफल, रामलला के दर्शन के लिए संस्कृति मंत्रालय ने भेजा अयोध्या। पूरे मध्य प्रदेश में मॉनसून एक्टिव, भोपाल समेत 21 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट, फुहारों के कारण तापमान में आई गिरावट। देवास में माता टेकरी मंदिर पर हनुमान मंदिर के पास भूस्खलन, पहाड़ का कुछ हिस्सा गिरा, राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंची टीम, हादसे में कोई हताहत नहीं। रायपुर में आज बीजेपी करेगी नया भारत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन, उत्सव में विकास प्रदर्शनी, 3D रंगोली का प्रदर्शन, गिनाई जाएंगी केंद्र सरकार की उपलब्धियां। दिवंगत यूट्यूबर कॉमेडियन देवराज पटेल का अंतिम रील्स वीडियो आया सामने, क्यूट और क्यूटिया समझाते हुए कहा अलविदा, वो बाय बन गया आखिरी लफ्ज। मंडला में बारिश के कारण लाखों में बना जलाशय टूटा, अमृत सरोवर योजना के तहत हो रहा था निर्माण, ग्राम पंचायत सुखरी संग्रामपुर के पोषक ग्राम खरखरा का मामला। सतना में विशालकाय अजगर ने बकरे को बनाया शिकार, अजगर के शिकार को देखकर दहशत में लोग, रामनगर इलाके के खारा गांव की घटना। मुरैना में पैसा मांगने पर 2 लोगों ने दुकानदार के साथ की जमकर मारपीट और बदतमीजी की घटना, सीसीटीवी में कैद, आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। मुंबई, पुणे, नासिक जैसे महानगरों में कुर्बान होंगे बुरहानपुर के बकरे, 15 से 20 हजार तक लगाई जा रही कीमत, महंगाई के चलते बकरा बाजार नरम। भिंड में मामूली विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, कांग्रेस के वार्ड 10 के पार्षद पति और एसएएफ जवान के बीच विवाद, मारपीट में 3 लोग घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मंडला में 2 दिनों की बारिश के बाद पानी पानी हुआ जिला मुख्यालय, चौक चौराहे और वार्ड तालाब में तब्दील, महज 2 दिन की बारिश में खुल गई नगर पालिका और जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की बोझ। बिलासपुर में मां बेटी समेत 3 आदिवासी महिलाएं लापता, परिजनों ने रतनपुर थाने में दर्ज करवाया मामला, रतनपुर थाने के कुम्हड़ा खोल गांव का मामला। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश से जल प्लावन जैसे हालात, आधारताल सुहागी मार्ग पर नाला ओवरफ्लो, खतरे को देखते हुए वाहनों का आवागमन रोका गया। जबलपुर में 24 घंटे से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी, हनुमान तालाब में मिला लापता व्यक्ति का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। जबलपुर के जलहरी घाट तट पर मिला बालक का शव, मृतक के चेहरे पर चोट के निशान, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। रायगढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर, जल जमाव खत्म करने के लिए पहुंचा सफाई दस्ता, सफाई न होने की वजह से सड़कों पर भर गया था पानी। रायगढ़ में मां को मौत के घाट उतारने का आरोपी बेटा गिरफ्तार, शराब के लिए पैसा नहीं देने पर की थी हत्या, चक्रधर नगर के जुनवानी गांव का मामला। अंबिकापुर में अवैध लकड़ी से भरा ट्रक जब्त, राजस्व विभाग ने की कार्रवाई, बरगवा बिहीबाड़ी से अंबिकापुर जाने के दौरान दरिमा तहसीलदार ने की कार्रवाई। बलरामपुर में शुरू हुई झमाझम बारिश, बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले, अब तक 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज। सूरजपुर में गिट्टी मुरुम रेत खनन में लगी गाड़ियों पर कार्रवाई, अवैध परिवहन में जुटी 6 गाड़ियां जब्त, खनिज और राजस्व विभाग की कार्रवाई से हड़कंप। मुंगेली में आकाशीय बिजली गिरने से 1 की मौत, 2 झुलसे, लोरमी अस्पताल में कराया गया भर्ती, लोरमी इलाके के तेली मोहतरा गांव की घटना। बेंड्रा में सड़क पार करता दिखा हाथियों का झुंड, हाथी देखने के लिए सड़क पर जुटे लोग, मरवाही वनमंडल में 1 महीने से घूम रहा था हाथियों का दल।
तो आज दिल्ली पर लगातार नजर बनी हुई है। दिल्ली से बड़ा अपडेट आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं, मंत्री टीएस सिंहदेव भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं, राहुल गांधी भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं, मतलब तीनों नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होनी है, विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव